सभी को नमस्ते। वेलकम सविता शिंदे जी फ्रॉम हैदराबाद। आप हैदराबाद में रहने की वजह से पत्री जी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने ट्रांसलेट भी किया है और स्वाध्याय में आपकी विशेष रुचि है। तो मुझे जितना पता है, वैसे आप कई बार पिरामिड और उस तरह की सेवा भी दे रहे हैं PSSM में। आज एक नई बुक लेकर हमारे सामने आए हैं और बुक के बारे में, ऑथर के बारे में हम उन्हीं से जानेंगे। कृष्णानंद गुरु जी की यह किताब है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसका टॉपिक ही बहुत, मतलब मेरे को इंट्रिगिंग लगा, इसीलिए काफी दिनों से उनसे बात हो रही थी कि वो कब आ सकती हैं। तो नमस्ते सविता जी और वेलकम ऑल मास्टर्स, एंड थैंक यू सविता जी फॉर कमिंग हियर। थैंक यू मैम। Thank you, Anuradha ji, for the introduction, and thank you for calling me on your channel. So, friends, हम शुरुआत करते हैं अपना बुक का। मैडम आवाज आ रही है मेरा? माई वॉइस इज क्लियर? लाउड एंड क्लियर मैम। ओके ओके, यस नाउ आई विल शेयर द स्लाइड्स। यू कैन सी बुक जो हमने लिया है उसका नाम है द डिसेंट ऑफ सोल। तो हिंदी में अगर कहें तो आत्माओं का पृथ्वी पे अवतरण। तो ये जो बुक लिखा है उनके ऑथर है गुरुजी कृष्णानंद। तो मुझे लगता है कि कोई भी बुक के ऑथर जो है उनकी अगर महती हम नहीं कहेंगे तो वो बुक में उतना ये नहीं होगा। तो जैसे कहीं हम जाते हैं और वो जगह की महती हमें पता है कि कितनी महान है वो जगह, तो हमें वहाँ वेंचर करने के लिए अच्छा लगता है। सो यहाँ पे जो ऑथर है, मैंने तीन ऑथर दिए हैं यहाँ पे। यू कैन सी कि गुरुजी कृष्णानंद, महर्षि अमारा और सप्तऋषि। तो गुरुजी कृष्णानंद जो है वो अभी शरीर में नहीं है। उन्होंने जो भी बुक लिखे हैं वहाँ पे उन्होंने अपने गुरु महर्षि अमारा की महती लिखी है, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी जो ज्ञान है उनसे उनको प्राप्त होता है और सप्तऋषियों से प्राप्त होता है। तो हर जगह वो उनकी महती बताते हैं और फिर बुक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे गुरुजी कृष्णानंद जो है वो अपने गुरु के सानिध्य में 5 साल रहे और जो भी उन्होंने ज्ञान दिया वहाँ पे, तो उन्होंने वो सारा ज्ञान बुक्स के माध्यम से हमें दिया है। और फिर वो कनेक्टेड रहे उनसे सूक्ष्म स्तर पर और सप्तऋषियों से। तो सारा जो ज्ञान आ रहा है इस बुक में से तो वो सप्तऋषि दे रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो उन्होंने एक संस्था भी स्थापित की है और उसके माध्यम से वो ध्यान सिखाते थे और आगे भी वो चल रहे हैं। और ये अभी जो समय आ रहा है परिवर्तन का, तो उसके लिए जैसे हम पिरामिड चैनल के माध्यम से कर रहे हैं वैसे उनका भी है, उसके माध्यम से वो ध्यान का प्रसार प्रचार करते हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं कि उनके जो गुरु थे महर्षि अमारा उनके बारे में। तो उनकी महती वो बताते हुए कहते हैं कि वो रमन महर्षि जैसे, योगी अरबिंदो जैसे, ये लोगों जैसे थे। यानी बहुत उनको बड़ा वो स्थान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सूट बूट में रहने वाले एक ऋषि थे, तो वो ऋषियों के लिए कार्य करते थे, वो खुद ऋषि थे। और उनके बारे में थोड़ा सा वो एक स्टोरी यहाँ पे बताते हैं। वो कह रहे हैं कि वो 9 साल की आयु में जब उनको टॉन्सिल्स हुआ था और उनको एनेस्थेशिया दिया गया था, तो एनेस्थेशिया में उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो बाहर निकल के आया और सूरज में चला गया। तो सूरज के अंदर जब उन्होंने देखा तो पूरा आकाश था, ग्रह तारे थे बहुत सारे, और उसमें से एक ग्रह था जहाँ से आवाज आ रही थी। तो उस ग्रह पे वो जाके लैंड किए। वहाँ पे एक सभा चल रही थी, उस सभा में वो खड़े थे। उनके पीछे कोई था जो उनको देख के बोला, अरे तुम यहाँ आ नहीं सकते हो, जब तुम शरीर छोड़ते हो तभी तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो वो उनको लेके एक तंबू में चला जाता है और उस तंबू में कुछ ऋषि बैठे हुए रहते हैं। तो उनमें से एक ऋषि उनको कहता है कि भाई मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा, अब तुम चले जाओ वापस। तो वो पृथ्वी पे वापस चले आते हैं। एनेस्थेशिया से बहुत टाइम लेते हैं बाहर निकलने में,
और जब छोटे रहते हैं तो बोलते हैं घर वालों को क्या देखा उन्होंने, घर वाले बोलते हैं कि सपना रहेगा भूल जाओ। फिर वो एक 1.5 साल राह देखते हैं, कोई भी उन्हें मिलने नहीं आता। एक दिन जब वो एक विंडो से बाहर देखते रहते हैं तो एक सूरज जैसा प्रकाश का गोला उनके जो रूम है वहां पे अवतरित प्रकट हो जाता है, शरीर धारण करता है। और जब वो उनको पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं महर्षि विश्वामित्र हूँ। तो विश्वामित्र जी जो है वो उनको 2 साल तक साधना सिखाते हैं वहां पे रात में आके। तो जब वो साधना सिखाते हैं तो 12 साल के ये रहते हैं तो उनको क्या क्या आता है, तो उनके पास लाइफ के सारे मेमोरीज जागृत हो जाते हैं, पास लाइफ की जो भी साधना उन्होंने की है वो जागृत हो जाती है, बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो 12 साल के महर्षि अमर जो है वो अलग अलग मितियों में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, और वो एक ही समय में 10-20 जगह प्रकट हो जाते थे। वो कहीं भी अपना शरीर डिजोल्व कर देते थे, कहीं भी प्रकट हो जाते थे। तो आप सोच सकते हो वो एक महान ऋषि थे और उनका कार्य तभी से 12 साल की उम्र में शुरू हो गया था। तो यहाँ पे गुरुजी कृष्णानंद कहते हैं कि वो जब काम करते थे तो वो रात में काम करते थे एस्ट्रली, और दिन में वो सबको सिखाते थे ध्यान के बारे में, अध्यात्म के बारे में नॉलेज देते थे। तो ऐसा उनका कार्य चलता था। उनके बारे में ज्यादा लोगों को कुछ पता नहीं रहता था, जो भी अवेकन हो जाए, जो भी कनेक्ट हो जाए, बस उनको उनके बारे में पता रहता था। तो बहुत कम लोगों को महर्षि अमारा के बारे में पता है। फिर वो सप्तऋषियों के बारे में कहते हैं, यहाँ पे सप्तऋषियों के बारे में उन्होंने हमें नॉलेज दिया है क्योंकि हमारे बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनके बारे में, तो उनको वो खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि सप्तऋषि जो है वो बहुत बड़ी आत्माएं हैं, वो पृथ्वी के लिए काम कर रही है, परमात्मा का काम वो कर रही है, उनके मार्गदर्शन से पृथ्वी पे वो काम कर रही है। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें वो हमें बता रहे हैं यहाँ पे, कि हम जब दंत कथाएं सुनते थे या कथाएं सुनते थे महापुराण वगैरह पुराणों में सुनते थे उनके बारे में, तो हमें लगता है कि सप्तऋषि जो है या ऋषि जो है वो बस कहीं गुहा में बैठे रहते हैं और साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं। हमें बस उतना ही ख्याल आता है कि कहीं हिमालय में बैठे होंगे। तो वो कहते हैं कि ऋषि सप्तऋषि ये लोग बस उतना ही उनका काम नहीं है, वो पृथ्वी पे अभी पूरा टाइम काम कर रहे हैं। एक एक आत्मा को जो खुद के ऊपर काम करने के लिए रेडी है उसको मदद कर रहे हैं। और ये जो है इनका कार्य ऐसा चलता है कि ऋषि का एक गट जो होता है तो वो रिपोर्टिंग करता है सप्तऋषि को। तो इस तरीके से उन लोगों का काम चल रहा है। और वो कह रहे हैं कि इस परिवर्तन के समय में वो लोग बहुत ज्यादा सबकी मदद कर रहे हैं, वो सूक्ष्म स्तर पे भी है, वो फिजिकल स्तर पे भी वो लोग पृथ्वी पे अभी अवतरित हुए हैं हमें मदद करने के लिए। तो उनके बारे में ये उन्होंने कहा है। एक चीज बहुत ही सुंदर यहाँ पे उन्होंने कही है कि अगर आपको दिख रहा है बाहर के जग में कि यहाँ पे बहुत क्लेश और कलह चल रहा है, पर एक-एक आत्मा जो है पृथ्वी पे, एक-एक व्यक्ति जो है उसने चॉइस कर ली कि उसे शांति चाहिए, बस उसको चूज करना है, स्वेच्छा देनी है। उसे कुछ भी पता नहीं है पर उसने स्वेच्छा दे दी कि मुझे ये मेरा जो अर्जन है ये अच्छा नहीं लगता है, इसमें जेलसी है, इसमें हेट्रेट है, ये खुद में इतना अच्छा नहीं हूं, तो मैं रेडी हूँ चेंज होने के लिए। तो बस उसको स्वेच्छा देनी है कि मुझे ये चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद का जीवन चाहिए, मुझे जॉयफुल रहना है। मेरे अंदर के एक-एक डीमन मुझे दिख रहे हैं, उनके ऊपर काम करके मुझे बाहर निकलना है, मुझे एक अच्छा आदमी बनना है। ऐसे अगर चॉइसेस देते चले जाओ आप तो ये वसुंधरा बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा और आप दुख से बहुत जल्दी बाहर निकल जाओ। तो उन्होंने कहा है कि वो जैसे एक फायर ब्रिगेड जैसे है, आपने हेल्प मांगी और वो रेडी हो गए, तो ऐसा है आपका जग चुटकी बजा के चेंज हो जाएगा। तो वो बहुत मुझे सुंदर लगा। तो ये बुक की शुरुआत ऐसे है कि वो कह रहे हैं यहाँ पे कि अंधकार का जो युग चल रहा था
उसमें हमें, उससे पहले हमें बहुत ज्ञान था सभी चीजों का, आत्माओं के बारे में, हम कहाँ से आए हैं, क्या करने वाले हैं। पर अंधकार के जगत में जब हमने पैर रखा तो हम सारा चीजें भूल गए, और अब तो ऐसा टाइम है कि हम पूरा ही भूल गए। तो वो कह रहे हैं कि अभी हम उच्च जागृति का जो नया युग है उसमें हम पदार्पण कर रहे हैं, तो ये सारा ज्ञान है हमारे पास वापिस आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है फ्रेंड्स। हम सोच सकते हैं कि हम क्या क्या ये चीजें कर रहे हैं अभी। तो ये बुक हमें समझाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, पृथ्वी पे हम क्या करने के लिए आए हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस है उसके आंसर देता है। तो जैसे हमने कहा, पुस्तक का नाम ही है डिसेंट ऑफ द सोल, आत्माओं का पृथ्वी पे अवतरण। आत्माएं पृथ्वी पे कैसे अवतरित हुई? तो उसको उन्होंने शुरुआत किया है कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई। तो विश्व की निर्मिति ऐसे हुई फ्रेंड्स कि जैसे पहले पूरा अंधकार ही था एकदम शुरू में। तो अंधकार का ये जो जगत है उसका शुरुआत हुआ, जस्ट मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कह सकते हैं कि ब्लैक होल भी नहीं, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो कहीं से एक दिशा से एक महासागर जो है वो अवतरित हुआ, और प्रकाश का एक महासागर जो है वो अवतरित हुआ, और उस महासागर में से दूसरा एक चैतन्य का महासागर प्रकट हुआ। तो ये एक महासागर में से दूसरा महासागर प्रकट हुआ। तो पहला जो महासागर है चैतन्य का, प्रकाश का, वो अनंतानंत है, तो उसको हम शिव कह सकते हैं। और उसमें से जो दूसरा महासागर प्रकट हुआ वो है शक्ति। कोई कोई इसमें हम देखेंगे तो उसे कुष्मांडा देवी भी कहा गया है, कि अंड शेप का जो एक ऊर्जा का ये है गोला है उसको कुष्मांडा कहा है। तो एक प्रकाश के महासागर से दूसरा महासागर निकला, फिर ये दूसरा महासागर जो था देवी शक्ति, उसने प्रकाश के महासागर से थोड़ी ऊर्जाएं ली, अपनी ऊर्जाएं उसमें से मिक्स की, और उसमें से तीन अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र बनाए उन्होंने। तो उसको हम ब्रह्मा विष्णु और महेश कह सकते हैं। तो ये सब था, ये पंच तत्व से परे था, ये निराकारी सब जगत बन रहा था अभी। तो ये तीन जो ऊर्जा क्षेत्र बने, उन्होंने फिर से निर्मिति शुरू कर दी। उन्होंने अपने अंदर से आत्माएं निकाली, उन्होंने जगत बनाना शुरू किया। तो उन्होंने अलग अलग ब्रह्म तारा मंडल, तारे, बहुत सारे ग्रह ऐसे बनाए, पर ये सभी निराकार थे, वो आकारी नहीं थे। तो ऐसा ये ऊर्जा क्षेत्र जो था वो खुद को डिवाइड कर रहा था, मीन्स कि अपने अंदर से बहुत सारे आत्माएं वो निकाल रहा था, उसके लिए जगत भी बना रहा था। तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमने हमारे बच्चों के लिए घर भी बनाया और फिर बच्चों को भेज भी दिया वहां पे देखने के लिए घर। तो ऐसे है कि पहले बच्चों के लिए उन्होंने घर बनाया, अलग अलग जगत बनाए, और फिर जो बच्चे थे अपने ही अंदर से उन्हें उन्होंने निकाले, उनको वहां पे वास करने के लिए भेज दिया। तो ऐसे अनंत अनंत अरबों खरबों आत्माएं उन्होंने पैदा की, और अरबों खरबों तारा मंडल और ग्रह तारे उन्होंने बनाए, पर ये सब जो था वो निराकारी था। फिर आगे जाके जो ये थी देवी माता थी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि अब तुम्हें भौतिक ब्रह्मांड बनाना है। तो भौतिक ब्रह्मांड कैसे बना फिर? तो ब्रह्मा जी ने जो ध्वनि है उसके माध्यम से भौतिक ब्रह्मांड बनाना शुरू किया। तो ओम के जो ध्वनि है वो जहां जहां अवतरित होते थे वहां वहां ब्रह्मांड बनते थे, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाश गंगाएं थी, जिसको हम गैलेक्सीज कह सकते हैं। तो इतने सारे अरबों खरबों ब्रह्मांड बने, अरबों खरबों आकाश गंगाएं उसमें, और एक एक आकाश गंगाओं में अरबों खरबों सूर्य और अरबों खरबों सूर्यों के जो ग्रहमालाएं थी उसमें एक एक पृथ्वी थी। तो आप सोच सकते हो कि अरबों खरबों पृथ्वियां वहां पे उन्होंने बनाई। तो ये जो था ये भौतिक ब्रह्मांड उन्होंने बनाया। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड्स।
तो आप ये देख सकते हो अंडाकृति, उसको ब्रह्मांड अंड यानी अंड के शेप का, तो ये जो है ये ब्रह्मांड दिखाया गया है। तो ऐसे उन्होंने अरबों खरबों ब्रह्मांड बनाए। तो ये जो ब्रह्मांड है उसमें अरबों खरबों पृथ्वियां थी फ्रेंड्स। तो ये जो पृथ्वियां थी उन्होंने अलग अलग स्तर पे उसको डिवाइड किया पृथ्वियों को। तो उसको उन्होंने कहा है कि 14 स्तर में उन्होंने पृथ्वियों को डिवाइड किया। तो पहले हम देखते हैं कि शरीर की उत्क्रांति की प्रक्रिया। तो ब्रह्मा जी ने जो जो आत्माएं बनाई थी तो उन्होंने वो आत्माओं को प्राणियों के शरीर में जाने के लिए कहा। तो प्राणियों के शरीर में जब उत्क्रांति हुई तो मनुष्य का शरीर बना। तो उसको अरबों खरबों वर्ष बोल सकते, युग बोल सकते, उतने लगे, उतना सारा टाइम वहां पे लगा। तो ये जो शरीर है उसकी उत्क्रांति हुई। फिर ये जो ब्रह्मांड है अंडाकृति ब्रह्मांड है, ये एक ऊर्जा क्षेत्र है। तो ये ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा बचाने के लिए उन्होंने अष्टदिक्पाल जो है, मैं इंटरप्ट थैंक यू अनुराधा जी फॉर टेलिंग या। तो फिर आप देख सकते हो कि ये जो अंडाकृति ब्रह्मांड है ये एक ऊर्जा क्षेत्र है और इसकी ऊर्जाएं हमें बचानी है। तो ब्रह्मा जी ने अष्टदिक्पालों की निर्मिति की। जो ये ऊर्जाएं उनका काम था बचाना, ये अष्टदिक्पालों को 8 जगत दिए गए। उस 8 जगत में बहुत सारी आत्माएं रह रही थी। तो ये अलग ही जगत था। तो ये अष्टदिक्पाल जो थे उनको कार्य दिया गया कि ये जो ब्रह्मांड है उनकी संरक्षण करना, उनकी ऊर्जाओं का संरक्षण करना। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी, ये आगे का स्लाइड चला गया, पीछे कैसे जाएंगे? ओके, तो पृथ्वी जो है 14 स्तरों में उन्होंने उसका विभाजन किया। तो ये विभाजन क्यों हुआ? तो जो पृथ्वियां हैं उनको उनके आध्यात्मिक स्तर है उसके हिसाब से उनको विभाजित किया। और जो ऊंचे वाले स्तर थे 7 स्तर, वो आध्यात्मिक ग्रोथ हो रहे दिखा रहे हैं। और जो नीचे के स्तर है वो ऐहिक स्तर थे। तो सेंटर का अगर आप नाम पढ़ोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है भूलोक। भूलोक जो है वो हमारी पृथ्वी है, हाँ, हमारा सूर्य और वो सारे ग्रह है भूलोक के, और वो भौतिक है। और ऊपरी ऊपरी हम जब ट्रैवल करेंगे, ऊपर के स्तर पे चले जाएंगे तो वहां पे भूअर लोक है, सुअर लोक है, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो ऐसे करते करते बस इतना भूलोक ही है जो भौतिक है, बाकी के जो है वो सूक्ष्म लोक है। पर वो आध्यात्मिकली आप कैसे ग्रो करते हो वैसे वैसे वो स्तर बढ़ते जाते हैं। और निचले स्तर जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। तो ये जो निचले स्तर है वो ऐहिक स्तर उन्होंने बताया है कि जब हम प्राणियों के शरीर में थे तब हम ये स्तरों में थे। तो अगर हमारी हमारा शरीर देखा जाए तो हमारे मूलाधार के नीचे हमारे टांगों में ये सारी चक्र जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल के वो वास करते हैं नाड़ियों के माध्यम से। तो हमने जैसे हमने वो जन्म लिए तो हम हमारा स्तर जब यहाँ तक आ गया कि हम अतल तक आ गए, उतना सीखा हमने प्राणी के जीवन में, तो हमें भूलोक में जन्म मिला एज अ ह्यूमन बी। तो वो पूरे जो चक्रास है हमारे टांगों में रहते हैं। फिर शुरू हो जाता है जब हम भूलोक में आते हैं तो मूलाधार से हमारे जीवन की हम शुरुआत करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे उन्होंने कहा है। तो ये जो डिस्टेंस है भूलोक से सत्यलोक का, तो ये 9 अब्ज प्रकाश वर्ष इतना है। भूलोक से पाताल तक का 9 अब्ज प्रकाश वर्ष इतना है। और ये पूरा जो ब्रह्मांड का परिघ है वो 18 अब्ज प्रकाश वर्ष इतना बड़ा है। आप सोच सकते हो पूरा डिटेल उन्होंने वहां पे दिया है। वो कहते हैं कि जो भूलोक है वो ब्रह्मलोक से छोटा है। ब्रह्मलोक 1000 टाइम उससे बड़ा है। फिर विष्णु लोक ब्रह्मलोक से 1000 टाइम बड़ा है। फिर जो शिवलोक है वो विष्णु लोक से 1000 टाइम, 1000 गुना बड़ा है। फिर शिवलोक जो है वो शक्ति लोक से 1000 टाइम बड़ा है। तो
नहीं, वो ऐसे बड़े बड़े हो जाते हैं, वो जो लोकाज है वो जो स्तर है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो देवी लोक का एक दिन है वो शिवलोक का 2 दिन के बराबर है, और वो विष्णु लोक के 4 दिन के बराबर है, और फिर वो ब्रह्मा लोक के 8 दिन के बराबर है। तो वो भी उन्होंने टाइम का भी कैलकुलेशन यहाँ पे दिया है। अब हम ब्रह्मांडों का जो टाइम चलता है उसके बारे में देखेंगे कि हमारे पृथ्वी पे कैसा टाइम चलता है। जो भौतिक पृथ्वियां हैं, हमारी जैसे बहुत सारी पृथ्वियां हैं जो भौतिक है, तो उनपे टाइम युगों के माध्यम से चलता है। तो पहला जो है वो सतयुग है, वो 20,000 साल का है। दूसरा त्रेता युग 15,000 साल का है। ये वो बुक में एक्चुअल नंबर्स दिए हैं, वही मैंने यहाँ पे डाले हैं कि त्रेता युग जो है 15,000 साल का है, द्वापर युग है वो 10,000 साल का है, कलयुग है वो 5,000 साल का है। कई कई बुक्स में मैंने पढ़ा है कि कलयुग का 12-15 साल ऐसा भी कहा है उन्हें, 15,000 साल। पर वो कह रहे हैं कि हर एक युग का एक टेंटेटिव टाइम